हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं आलू टिक्की, जो घर में हम बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। मेरा जो भी रेसिपी होता है बहुत ही आसान होता है, जो आप बहुत ही आसानी से घर में बना लेंगे और आपको टेस्ट जो है सो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली आएगी, होटल वाली आएगी और बहुत ही टेस्टी बनती है। बहुत ही कम सामान में क्रिस्पी सा हम आलू टिक्की तैयार करेंगे। फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये बॉयल्ड आलू लेंगे और उसमें थोड़ा सा उसको आलू को मैश कर लेंगे। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे और ये ब्रेड क्रम्स है इसे भी डाल देंगे। इससे क्या होगा, इसका बाइंडिंग बहुत ही अच्छा आएगा और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप हरा मिर्च काट करके डाल सकते हैं और इन सब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और ये मैंने मिला लिया और इसे और थोड़ी छोटी छोटी जो गुठलियाँ होंगी ना उसे भी अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसका टिक्की बना लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसको जितना मोटा आपको रखना है उतना बड़ा आप लीजिए इसका, और इस तरह से गोल करके हम इस तरह से इसका शेप दे देंगे। आप जिस शेप में देना चाहिए आप देखिए, इस तरह से हम इसे बना लेंगे और सारे सारे टिक्की हम बना लेंगे। आप ब्रेड क्रम्स की जगह पे बेसन या चावल का आटा भी डाल सकते हैं, पर बेसन डालने से उतना क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो ये मैंने सारे टिक्की तैयार कर लिए और अरारोट का घोल बना लेते हैं कॉर्नफ्लावर का। तो हम एक कटोरी करीब 25 ग्राम हम कॉर्नफ्लावर लेंगे और उसका हम पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। इसमें नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और गरम मसाला पाउडर डालेंगे और सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम घोल तैयार कर लेंगे। इस तरीके का हम घोल तैयार करेंगे। इससे क्या होगा, इसमें हम टिक्की को डालेंगे और ब्रेड क्रम्स में हम इसको अच्छे से बाइंडिंग के लिए तैयार कर लेंगे। अब इस तरह घोल को एक बार फिर से आप मिला लीजिए और तेल को गर्म करेंगे और टिक्की कॉर्नफ्लावर में डाल के ब्रेड क्रम्स में हम इस तरह से हम लगा देंगे। कॉर्नफ्लावर लगाने से क्या होगा, अच्छे से ब्रेड क्रम्स जो है इसमें चिपक जाएगा। और इस तरीके से हम सारे टिक्की को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। और अब हम पलट लेते हैं। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये जल जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं। अगर आप चाहते हैं जिस समय हम इसका टिक्की बनाते हैं उस समय आप आलू में अगर चाहिए तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं या अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लाल हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। और इस तरह से देख सकते हैं इससे इसका कितना प्यारा कलर आया है और ये बिल्कुल नहीं टूटा है। अगर आप अंदर में ब्रेड क्रम्स डाल देंगे या चावल का आटा डाल देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बाइंडिंग हो जाता है। और ये मैंने सारे टिक्की तैयार कर लिए और ये बहुत ही क्रिस्पी भी बनता है, बहुत क्रिस्पी बनता है। तो आप मार्केट में जो खाते हैं ना बहुत ही कम सामान में और बहुत ही टेस्टी सा बन के तैयार होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। और ये हल्का सा लाल नहीं हुआ था तो इसे एक दो मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसे भी निकाल लेंगे। और दूसरा बैच जो बचा हुआ है उसे भी फ्राई कर लेंगे। और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसे हम फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से हम फ्राई को पलट देंगे। फ्लेम को हमें यही रखना है, फ्लेम पर इसे हम
खाइए। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा बनता है, तो एक बार इसे आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। और मेरा जो भी रेसिपी होता है बहुत ही इजी तरीके का होता है, जो आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो इस तरीके से सारे टिक्की फ्राई कर लेंगे। ये सारे टिक्की बनके तैयार हैं, जो देखने में बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा मेरे तरीके से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।